सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन जरूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो में सबसे पहले आपको मिले। तो अगर आप देख रहे हैं आज मैं किस तरह खूबसूरत बना हुआ हूँ, तो ये किसकी कमाल है और किसने मेहनत की है, और इस बच्चे ने जैसे खुद पप्पू बना हुआ है मुझे भी इसने आज पप्पू बना दिया, और बहुत ज्यादा इसने मेहनत की है, और इसने कितनी मेहनत की है वो सारा व्यू आपको मैं दिखाऊंगा, और आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को मुकम्मल देखना है, और इसने कितनी मेहनत की है ये अब हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो स्टार्ट करके आपको सारा व्यू दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये देखें आज मैं इस हमाम पे ना खत कराने के लिए आया हूँ, इस बच्चे से ना फर्स्ट टाइम खत करा रहा हूँ, और जब मेरी कटिंग हो जाएगी खत हो जाएगा फिर मैं आप व्यूज को दिखाऊंगा। आपने बताना है कि इस बंदे ने इस बच्चे ने कैसी मेरी हजामत बनाई है, कि नेक्स्ट टाइम इसके पास आता रहूँ या ना आता रहूँ, ये कॉमेंट में आपने ज़रूर बताना है। अभी ये देखें स्टार्ट किया हुआ है काम इसने। ये देखें ये उस्ताद है, इसकी मैंने मिन्नतें की, इसने तो नहीं बनाई,
पर इस बच्चे ने मेरी हजामत बनाई है और कलर भी लगा दिया है। तो ये मेरे भाई जो है 2 घंटे इंतज़ार किया फिर जाके उस्ताद ने टाइम दिया है, इतना बड़ा उस्ताद है। तो अब ये कलर लग गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने मुंह धोना है, तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कैसे ये मेहनत की है इस बच्चे ने। तो व्यूअर ये देखिए अब कलर खुश्क हो गया है, अब मैं इसको शैम्पू लेके ये देखें मैं सर धोता हूँ इसका, तो उसके बाद जो कलर लग गया है वो सारा व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपने मेरे साथ रहना है और वीडियो को मुकम्मल एंड तक ज़रूर देखना है। तो व्यूअर ये देखें ये बच्चा कारीगर बना हुआ मुकम्मल। तो ये हमारे जल्ला आरई के चौक कुमारा वाला में ये बहुत मशहूर सलोन है, तो जिस जो जला रहे हैं केरी के जो भी लोग हैं तो यहाँ पे आए तशरीफ लें और आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा और बहुत ज़बरदस्त असली बश काम किया जाता है। आपने जो मुकम्मल देखी है वीडियो तो आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने मुझे बताना है कि जब मेरी जो ये बाल कटिंग थी और ये बनवाने से पहले मेरी क्या हालत थी और अब कैसी है, तो आपने मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना है। और मुझे ये भी ज़रूर बताना है कि दोबारा मैं इस सलोन पर आऊँ या ना आऊँ। तो मुझे तो लग रहा है कि मैं आऊं क्योंकि मुझे इस बच्चे ने मेहनत की है और इसका उस्ताद नहीं था और उसके बावजूद भी इसने मेहनत की है और बहुत अच्छा मुझे इसने रिस्पांस दिया है, तो मुझे अच्छा लगा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पसंद ही होगी, वीडियो पसंद उसको लाइक और शेयर करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कि दूसरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।